जब से आईपीएल 2023 की शुरुआत हुई तब से लगातार इंजरी प्रीमियर लीग का दायरा बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, खासकर आरसीबी के लिए। पिछले मैच में आरसीबी के एक अहम खिलाड़ी रिस टोपले की शोल्डर में इंजरी आपको देखी होगी, जब वो कैच ले रहे थे जमीन की मिट्टी खोड़ गई थी। अब ये देखा जाएगा कि अगले मैच में रिस टोपले खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं या नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है। लेकिन आरसीबी के ऊपर एक सबसे बड़ा जो दाव खेला था रजत पाटीदार को अपनी टीम में वापस लेकर के इंजरी होने के बावजूद, वो थोड़ा सा उनका फेल हो गया है और आरसीबी ने रजत पाटीदार को रूल्ड आउट कर दिया, यानी कि पूरे सीजन से उनको आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। अब रजत पाटीदार बेंगलुरु में एनसीए में अपना रिहैब करवा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, रिकवरी मोड में है, जिस वजह से रजत पाटीदार अब आपको कोई भी मैच खेलते हुए इस सीजन में नजर नहीं आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनका रिप्लेसमेंट कौन खिलाड़ी कर सकता है? अनुज रावत कर सकते हैं, सुयश प्रभु देसाई कर सकते हैं, या फिर महिपाल नोमरो कर सकते हैं? जो सेम इंजरी हेजलवुड को हुई थी वही सेम इंजरी रजत पाटीदार को भी हुई है, तो देखने वाली ये बात होगी कि रजत पाटीदार कब तक ठीक हो जाएंगे, अगले सीजन शायद वो खेलने आए या ना आए। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने अहम खिलाड़ी हो सकते थे रजत पाटीदार आरसीबी के लिए ये भी आप जरूर कमेंट करिए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए लिमिटेड मैच ही खेला था पिछले सीजन में रजत पाटीदार ने, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबका दिल मोह लिया था। तो हमने पहले ही कयास लगाया था कि इंजरी होने के बावजूद अगर कोई खिलाड़ी अपनी इंजरी से कंप्रोमाइज़ करता है तो अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। तो सवाल देश का है या सेट का है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाइएगा, साथ ही अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए।